नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पकवान गली में। मैं हूं आपका होस्ट ददन भाई। आज मैं लेकर आया हूं बनाना टोस्ट की रेसिपी। इसे काम पर जाने वाले लोग, जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, उसे बढ़िया ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं और यह बच्चों के स्नैक्स के लिए भी बढ़िया डिश हो सकती है। बनाने में लगेंगे सिर्फ 5 से 7 मिनट। तो आइए शुरू करते हैं बनाना टोस्ट की रेसिपी। तो इसके लिए मैं लूँगा सबसे पहले मूँगफली। इन्हें रोस्ट करेंगे हम। अगर आपके पास रोस्टेड मूंगफली है तो वो भी आप ले सकते हैं, उससे काम आपका और आसान हो जाएगा। तो मूंगफली को रोस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। मूंगफली हमारी रोस्ट हो चुकी है बढ़िया तरीके से। हमने ज़्यादा नहीं भूना है, इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लिया है ताकि जो इनके छिलके आसानी से निकल जाएं और इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो रोस्ट कर लिया है, हाथ से हटा देते हैं। तो मूंगफली मैंने रोस्ट कर ली है, इन्हें पैन से निकाल कर एक बॉल में डाल देते हैं और इन्हें ठंडा होने देते हैं। जब ठंडी हो जाएंगी तो हम इन्हें छील लेंगे। तो मूंगफली ठंडी हो गई हैं, इनका छिलका निकाल लेते हैं। छिलका निकालने के लिए हथेलियों में कुछ इस तरह रखें और हल्का सा मैश करते हुए इनके छिलके उतार लेंगे। तो मूंगफली के छिलके मैंने साफ़ कर लिए हैं। अब या तो इन्हें बेलन के नीचे रखकर हल्का सा क्रश कर लें या तो फिर ग्राइंडर जार में डालें और 2 से 3 सेकंड तक चलाएं और इन्हें क्रश कर लें। तो मैं तो जार में कर रहा हूं, इसलिए मैंने इन्हें मिक्सर जार में डाल लिया है और 2 से 3 सेकंड चलाएंगे और हमारा बढ़िया दरदरा मूँगफली का पाउडर तैयार हो जाएगा। देखिए मूँगफली को दरदरा पीस लिया है। अब इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मूंगफली का जो पाउडर है वो रेडी हो गया है। तो अब बारी है ब्रेड को रोस्ट करने की। तो इसके लिए मीडियम आंच पर मैंने पैन रखा हुआ है और इस पैन पे इस तरह से ब्रेड रखेंगे और हल्का सा प्रेस करते हुए रोस्ट करेंगे। दोनों साइड हल्का ब्राउन स्पॉट आना चाहिए बस। इस चीज़ का ध्यान रखें कि मैंने मक्खन नहीं लगाया है, आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो मैंने ब्रेड की 4 स्लाइस ली थी, चारों को मैंने रोस्ट कर लिया है। ये रोस्ट हो गई हैं और इन्हें निकाल के रख लिया। ब्रेड रोस्ट कर लिए हैं, अब इन्हें एक चॉपिंग बोर्ड पर रखते हैं। इस पर लगाएंगे हम पीनट बटर। बढ़िया तरीके से पीनट बटर लगाएंगे तो बच्चों को भी पसंद आएगा और अगर ऑफिस में आप ले जाते हैं तो आपके कुलीग्स जो हैं उनको भी ये पसंद आएगा। तो ये मैंने लगा दिया इस पर पीनट बटर। अब इस पे मूंगफली का पाउडर, ज़्यादा नहीं, हल्का कर दिया। अब बनाना केला लिया है, केले को छील कर और इसे छोटे छोटे स्लाइसेस काट लेते हैं, पतले पतले। केले के स्लाइस भी इस पर रख देते हैं ब्रेड पर। तो इस तरीके से मैंने बनाना टोस्ट रेडी कर लिए हैं। आप भी फटाफट, जब कम टाइम हो और आपको फटाफट कोई हेल्दी रेसिपी चाहिए तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए और हाँ, YouTube पर हमारे चैनल पकवान गली को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।